फुल हो गया, बस रहने दो भैया, अब इतना लबालब मत कर दो। ऑलमोस्ट 30,795 75 रुपये का रेट है भैया यहाँ से अम्बाला 55 किलोमीटर। पेमेंट करते हैं, चलते हैं। 3,796 रुपीस का जो है बिल हुआ। 39 हाँ दे दो भैया, बिल तो दे ही दो। 39.21 लीटर्स फॉर द प्राइस ऑफ 75.24। माय गुडनेस। बाकी अब चलते हैं, अब तो गाड़ी में तेल भी पूरा है, अब तो कहीं रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। लेट्स गो। ये अब हुआ ना मस्त, तेल बिल्कुल लबालब भरवा दिया था। अब देखते हैं क्या एवरेज आती है भैया। एक ट्रिप तो मीटर बी वाले को कर देते हैं या ए वाले को कर देते हैं। बी वाले को कर देते हैं, बी वाले को कर दिया मैंने। अब चलते हैं यहाँ से अपने सफर के लिए टूवर्ड्स बीर बिलिंग। तो बातों में हम पहुंच गए करनाल, और ये रहा अरे अम्बाला, सो सॉरी। अब भैया ये तो लाइट ही जल रही है तीर धनुष की। इसी के साथ एक और टोल फाइनली। बहुत देर से हम चलते आते हैं अम्बाला क्रॉस करने के बाद। भैया ये वाला टोल पड़ा है अपना, अलग अलग लाइट नहीं जल रही थी, नहीं तो वहाँ पे पक्का फोटो खिंचाते, बट पता नहीं क्यों लाइट नहीं जल रही थी यार। ऐसे तो हमेशा जलती थी वहाँ पे, मस्त फोटो आती थी, बट इस बार जल ही नहीं रही थी। और रात का टाइम है, और अब तो कितने मेरे ख्याल से 1:30-2 बज गए हैं, कि पता नहीं कितना 2 से तो ऊपर ही हो रहा होगा टाइम। तो अब रास्ता भी खाली है, सिर्फ ट्रक वाले, बस ट्रक्स एंड बस, बस ये दो चीज़ें ही हैं। गाड़ी वाले तो बहुत कम हैं। भाई साहब, भाई साहब, अब हम कट गए हैं एक्चुअली हाईवे से टूवर्ड्स, अब हम जो है हिमाचल के लिए। और ये देखो ना साफ दिख रहा है, और ये देखो अब ये वाला जो रास्ता है, मूवीज में देखते हैं ना यार, ऐसा लगता है गाड़ी चल रही है अचानक से फॉग आ जाता है, वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे अब। इसलिए रात हो रही है तो ठंड तो हो रही है। नहीं नहीं इस तरफ नहीं है, वो तो उत्तराखंड की तरफ जाते थे। नहीं ये तो स्मेल आ रही है, मैं तभी तो बोल रही हूँ, ये प्रॉपर वो है ना पंजाब वाला है ना। हाँ हाँ, इधर कोई एक इस तरफ के कहीं पे गन्ने की खेती, कोई गन्ने की खेती है ये सारे शायद। कोई इधर एक प्लांट भी तो है ना, वो प्लांट पे पता नहीं क्या तो होता था, बस लाइटें दिखती हैं दूर तक अच्छी खासी। बट भाई अब ये रास्ता थोड़ा सा रात के टाइम पे खतरनाक है, फॉग ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगा, आप उड़ते हुए जा रहे हो फॉग आ जाएगा, आगे कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ पता नहीं गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, आगे कोई ट्रक है बस है, क्योंकि इस टाइम पे ना गाड़ियां बहुत कम है, ट्रक ही ट्रक ज्यादा है। तो भैया थोड़ा आराम से चल रहे हैं, नहीं इस लेन में भी था ना जो आते हैं तो वो इस लेन में भी दिखेंगे। बाकी चल रहे हैं हम अपना आराम से, धीरे धीरे आराम से चलेंगे यहाँ पे भैया। ज्यादा 80-90 पे नहीं चलेंगे, 60-70 पे ही चलेंगे। 60-70 इज व्हाट गुड इनफ। इसी वाह, एक छोटा सा ब्रेक लिया था भाई, कमर अकड़ गई थी, बहुत देर से बैठे हुए थे चला रहे थे, बट बहुत अच्छा सजाया हुआ है भाई साहब। पंजाबी सिंगर्स लोगों के नाम वाम है यार, बहुतों को तो मैं जानता भी नहीं। भैया ने सेटअप वेटअप भी बहुत अच्छा दे रखा है भैया, सजा रखा है। मतलब हाईवे से अगर आप जा रहे हो ना इस रूट पे, तो आपको बड़े ही आराम से दिख जाएगा, बहुत ही सॉलिड, मतलब सुंदर लग रहा देखने में। भैया अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, ये तो बोल रही है भैया मैं तो नहीं आ रही नीचे, भाई मेरे तो हिम्मत नहीं है, बाहर ठंड होगी, बट इतनी ठंड तो है नहीं, ठीक है इट्स ओके गुड। बाकी उन्होंने सजा वजा अच्छा रखा है भैया, चीज़ें भी बहुत सारी हैं देख रहे हो, बच्चों के झूले वोले ये वो, बट ठंड की वजह से बस ये लोग नहीं निकल रहे हैं। ओके इट्स नाइस। अंकल जी जो अभी दिखेगा ना फुल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, अंकल जी का भी टोरा है भाई यहाँ पे, अंकल जी ने भी अपना मेंटेन कर रखा है, गला ऐसा लग रहा है जैसे फंस रहा होगा, जवान सर में दर्द इतनी नींद ना। बट वही है कि अब एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है बंदा, और वैसे भी गाड़ी पे एक बार बैठ जाता हूँ तब तो भैया अपना रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मस्त चलते हैं भाई एकदम नॉन स्टॉप, एकदम भागम भाग। बस यही है, मुझे तो ये जगह अच्छी लग रही थी यार, इनका नाम वाम भी अच्छा है इन्होंने भैया, किसी इसको तो मैं जानता हूँ, बट जो भी है भैया अच्छा सजा रखा है, इट्स नाइस। माँ के अभी चाय और कॉफ़ी बोली हुई है, इसकी कॉफ़ी है विदाउट शुगर, मेरी चाय है, एक कड़क चाय कॉफ़ी पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं।
भैया यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ है नहीं, एक मेरी है एक इनकी अपनी है। ये बाइक से तो बाइक भी इनकी अपनी होगी भैया। एक यूपी की गाड़ी आई हुई है, बस दो ही गाड़ियाँ हैं, बट इनका सेटअप देख के ना मतलब मैंने बोला कि चलो अच्छी जगह होगी, ऐसी ऐसी जगह रुकने से बेटर है किसी ऐसी जगह रुकते हैं। जब तक मैं झूला झूल रहा हूँ, ठंड तो है, ठंड है भाई साहब, मस्त मस्त वाली ठंड है। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, इनकी तो कॉफ़ी गाड़ी में ही आ गई, मेरी चाय आ गई है, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे पेमेंट करके। लेट्स गो फॉर इट। हमने तो मस्त चाय पी ली भैया, चाय पी के ना जो आँख खुली है ना पूछो मत, अल्टीमेट चाय थी। चाय भी अच्छी थी एंड ही मेड द कॉफ़ी एज वेल वेरी गुड। मतलब आई तो रियली रेकमेंड, आप जब हाईवे से आ रहे हो ना तो आपको ये बड़े आराम से दिख जाएगा, क्योंकि इन्होंने बाहर तो कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है ना पूरी, गजब। ये है इनका नाम। तो भैया जी ब्रेक खत्म हो गया अपना, अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं एंड लेट्स गो बैक टू। दूर तक ना बहुत सारे ढाबे हैं लम लाइन से, उसके बाद बहुत दूर तक ना शायद ढाबे हैं नहीं, उनकी रोड तो ऐसी है भैया, फॉग हो रहा है अभी तो। और भैया इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कुराली टोल रोड। भैया यहाँ पर क्या कैश लगेगा क्या, फर्स्ट टाइम नहीं चलता, चलता तो है भैया। अगर रोड रास्ते की बात करी जाए ना तो मक्खन रोड है, मतलब आप 100 120 पे भी चलाओगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, इतनी मक्खन रोड है, मतलब इतनी साफ ना मस्त रोड है यार। रोड कंडीशन तो नो डाउट, मतलब इतनी मस्त है ना पहले के मुकाबले से, अब पूछो मत, सुपर। मौसम तो अब चेंज हुआ है भाई साहब, फॉग देख रहे हो क्या डेंस फॉग है, अब ऐसे ही मौसम मिलेगा आगे तो, पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं तो वैसा मौसम मिलना तो लाजमी है। इतना तगड़ा फॉग हो रहा था ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था अभी तो, इतना तगड़ा फॉग हो रहा था, ऊपर से बस वाले जो उड़ते हुए चल रहे थे, खैर इनके तो फॉग लाइट लगी हुई है। मैंने बोला भैया तुम ही आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब कैमरे में उतना नहीं आ रहा था बट कुछ भी नहीं रहा भाई साहब, मतलब इतना तगड़े वाला हो रखा है। भैया उधर से चले आएंगे तो मनाली चले आएंगे, ये वाला जो रास्ता है ना ये जाएगा अपना बीर बिलिंग के लिए। भाई साहब क्या तगड़ा फॉग हो रहा था, बस वाला क्या 80 पे चला रहा था ना, मज़ा आ गया उसके तो, पीछे एकदम बेलम बेल चल रहा था। बट भैया क्यों भैया, बस वाले को जाना था मनाली और हमें मनाली जाना नहीं है, तो लेट्स टेक द डायवर्जन एंड गो। जी मनाली वाले को छोड़ दिया हमने, अब हम चले इधर से 13 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है। भाई साहब क्या फॉग हो रहा है जबरदस्त वाला, आपको से इतना क्लियर नहीं दिख रहा, जितना फ़ोन में क्लियर दिख रहा है, लग रहा फ़ोन ही लगा दूँ आगे, बहुत तगड़ा फॉग हो रहा है भाई यहाँ पे तो, नो डाउट। बस चलते हैं, अच्छा ये बस यहाँ आके रुकी हुई है, चलो आओ तुम जब तक मैं पढ़ता हूँ आगे धीरे धीरे। फाइनली अब ये टोल पहुँचे हैं जो कि हमें हिमाचल में स्वागत करेगा, और इसी के साथ अपना हिमाचल में स्वागत हो गया है भैया, जय श्री राम। पता नहीं यार ये सब द्वार तो पहले था नहीं, या फिर इस रूट पे हम कभी आए नहीं है तो हमें पता नहीं है, बाकी भैया ये पर्ची कटी है अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये पर्ची कटी 50 रुपए की इन्होंने काट दी है कि वो भी कैश में दे दिया भैया। सुंदर नगर आगे है, ना ना सही जा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे का टोल टनल नंबर 1, ये टनल बन गए इससे बहुत रास्ता अच्छा हो गया, मतलब छोटा तो हुआ ही होगा ऑब्वियसली, बाकी ये टनल नंबर 2 है, एक से तो निकल गए दूसरे से निकल रहे हैं, तो ये टनल अच्छे हैं। पता नहीं पहले, खैर काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस रूट पे आए हुए, तब ध्यान भी नहीं कि पहले था नहीं था या अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो भी था बट इट्स गुड यार, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन किया है यार, मुझे तो पता ही नहीं था भाई साहब, रोड रास्ते तो मतलब इतने सॉलिड बना दिए हैं अब, मक्खन रोड अल्टीमेट। सब कुछ
66 किलोमीटर रह गए हैं, अब ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे का रास्ता रह गया और अभी मैं हूँ मंडी में। और क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, मतलब पूछो मत, इतना प्यारा नज़ारा है ना, मतलब ऐसी सुबह देखने के लिए ना दिल तरस गया था ये कह लो, इतना ही इतनी प्यारी सुबह हो रही है ना और इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में। इस टाइम पे शांति है, चिड़ियों की चहचहाट, और मैं आपको नज़ारा दिखा दूंगा ना, मेरे पीछे तो आप अभी कुछ भी नहीं देख रहे हो, मेरे आगे देखोगे ना इट इज़ अल्टीमेट, ये है, ये देख रहे हो, ये पूरा मंडी है, ये मंडी वाला पुल है, कितना ही सुंदर नज़ारा हो रहा है ना, देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो बस अब 66 किलोमीटर है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, थोड़ी कमर सीधी कर ली मैंने इसी बहाने। भाई साहब रास्ते तो मतलब है भाई, मतलब देखो सुंदर नगर तक तो ना आप आओगे ना आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा, इतना प्यारा रास्ता है। उसके बाद थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पे कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो स्टिल इट इज़ फाइन। उसके अलावा मंडी में तो देखो मौसम सही हो रहा है भाई, गजब का मौसम हो रहा है, व्यू तो कितना प्यारा ही है ना यार, ऐसा व्यू आपको दिन में तो देखने को नहीं मिलेगा, सुबह सुबह ये नज़ारा होगा। जब तक हम पहुँचेंगे ना अपने डेस्टिनेशन पे बीर में, तब तक मैं भाई सुबह हो जाएगी, अरे मस्त ठंडी हो रही है, मस्त ठंडी हो रही है, लोग उड़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है ना रास्ता खाली मिल रहा है ना सबको, इसलिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं यहाँ से। ठंडू रे ठंडू, मंडी के बाद जो रास्ता है ना वो एक्चुअली सिंगल लेन है, मतलब पूरा ही ऑलमोस्ट, मतलब मंडी जब से क्रॉस किया ना तब से जो रोड है ना वो ऐसी है, सिंगल लेन, 2 लेन कहीं पे थोड़ी बहुत, बट सब ऑलमोस्ट सिंगल लेन ही है। और भाई जब सुबह सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है भाई, जब तब आगे लोग भाग जा रहे हैं और दिक्कत हो रही है भाई साहब, क्या नज़ारा है भाई साहब, जबरदस्त, क्या मस्त सा नज़ारा है भाई साहब। ये यहाँ पे कभी लैंडस्लाइड जरूर हुई होगी, पानी आया होगा ऊपर से, पूरा पानी बहा है जिसकी वजह से पूरा रोड रास्ते खराब रखे होंगे भाई साहब, बहुत ही तगड़ा ही लैंडस्लाइड हुआ होगा जब भी हुआ होगा इस तरफ का, तो लाल पत्थर भी हैं बताओ, रोड अभी भी खराब ही है इस लैंडस्लाइड के चक्कर में, पूरा रास्ता ना इतना घुमावदार ना पूछो मत। अब हम लोग पहुंच गए हैं बीर, ये है बीर की मार्केट, सो वंडरफुल, मस्त है, सुबह सुबह तो भाई लोग वहाँ धूप सेकने के लिए बाहर खड़े हैं। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, इट्स इन बीर बिलिंग, बीर फुट कैफे। अब देखना है कि हमारा ऑफिस, इनका ऑफिस कहाँ पे है जहाँ पे बात बात कर सकते हैं, बाकी आपको इसके बारे में और डिटेल देंगे, जरा मैं अपने रूम के लिए पता कर लूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अंदर से इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है ना, डोम भी है, रहने की फैसिलिटी सब कुछ है, बाकी ये इनका पूरा ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी रह सकते हो आप, यहाँ पर रहना चाहो यहाँ पर रह सकते हो, और पीछे पूरा एरिया है, ये पूरा इन्हीं का है, मतलब अपना मस्त खेलो कूदो जो मर्जी करना है करो। बाकी भैया हमने अपना ओला रूम ले लिया है, गाड़ी सामान निकालेंगे क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए हैं, फटाफट गाड़ी सामान निकालते हैं, थोड़ा सा तो मैं सोऊंगा, इन लोगों की तो बैटरी चार्जिंग की है तो पूरा सोते हुए आए थे, इनको तो टेंशन है नहीं, बट मैं जब तक सोऊंगा नहीं ना 1-2 घंटे तक तो मज़ा आएगा नहीं, 1-2 घंटे सोते हैं फिर चलेंगे कुछ इधर उधर करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा, क्या खराब लगा। 500 किलोमीटर की ड्राइव थी, हमने अपनी कवर कर ली है, 10 बजे रात में शुरू किया था, अभी बज रहे हैं 9, तो मतलब ठीक ठाक टाइम पे आ गए, मतलब अच्छे खासे रुकते रुकाते खाते पीते हम लोग सही टाइम पे आ गए। हाँ कि भाई बहुत प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के, सुबह सुबह तो और अल्टीमेट है। बाकी अभी बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म है, तो इसलिए अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी अगले व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय।